देखिए वो जाहिल और अशिक्षित हैं, वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको रामायण का एबीसी भी पता नहीं। आप जो समाज को बांटना चाहता है वैसे भौंकने वालों पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान भी नहीं देती है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर, और अब देखिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कह दिया है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो जाहिल हैं। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया है कि मैं भी छात्र रह चुका हूँ, इस तरीके का बयान अगर दे रहे हैं तो वो मानसिकता अपनी खो चुके हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूरा बयान सुने आप। और भारत के जो इस देश के लिए कुर्बान होते हैं, आखिर क्यों कुर्बान होगा, शहीद के परिजनों के साथ जो किया गया है जुल्म और अत्याचार बहुत ही निंदनीय है। नीतीश कुमार जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोगों ने कल इस पर नारा भी लगाया था विधानसभा। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री ने कल फिर रामचरितमानस बड़ा सवाल उठाया। देखिए वो जाहिल और अशिक्षित हैं, रामचरितमानस वो शिक्षा मंत्री हैं। इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ, इतिहास के स्रोत में सोर्स में पढ़ाया जाता है कि महाभारत और रामायण सोर्स है, तो पहले उसको निकालें। वो केवल जातीय उन्माद पैदा कर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको रामायण का एबीसी भी पता नहीं। आप कह रहे हैं जाहिल है, वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, और हमसे बड़ा हिंदू कौन है, और हमसे ज्यादा रामचरितमानस का पाठ कौन करता है। हिंदू तो वो भी है, वो कृष्ण भगवान को कहे, वो कहते हैं जो अपने आप को शूद्र है, तो यादव कृष्ण भगवान भी शूद्र थे। शूद्र माने होता है क्षुद्र। ये देखिए इनका मानसिक, कृष्ण भगवान शूद्र थे, भगवान थे, ब्रह्म से भी ऊपर थे, वो भगवान नहीं हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, लेकिन वो बोले जब मैं शूद्र हूँ, यादव संपूर्ण यादव को कहते हैं शूद्र है, जबकि यादव सकेति भत्वा प्रसमंग ये दुखतंग, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, जिसको कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं उसको झुटला रहे हैं। जिस रामचरित्र में शूद्र वो है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारो दुजुचत, जो जिसकी बुद्धि छोटी हो, जो जैसे आज व्यवस्था है कि कोई चपरासी है, कोई अफसर है, कोई गजेटेड अफसर है, वैसे ही उस जमाने में था। अब तो देश में संविधान बन गया है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, और पुरानी बातों को लाना निश्चित रूप से कहीं मूल मुद्दों से भटकाना है। ग्रुप डी वाले को शूद्र मान सकते हैं हम लोग? नहीं, एकदम नहीं मान सकते। सर, आप लोगों को चैलेंज किया है शिक्षा मंत्री ने कि जैसी व्यवस्था थी इसको ऐसा नहीं कीजिए जो विवाद पैदा हो जाए, वो लोग विवाद पैदा ही करना चाहते हैं। भाजपा को शिक्षा मंत्री ने चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो सदन में इस मुद्दे को उठाए, हम जवाब देंगे। वैसे लोगों को, सिरफिरे लोगों को जो वोट बैंक की राजनीति करता है और जो समाज को बांटना चाहता है, वैसे भौंकने वालों पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान भी नहीं देती है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो कितने धर्म को लेकर आहित हैं वो सब जान रहे हैं, और शिक्षित की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित तो वो खुद हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सदन में शिक्षा मंत्री को लेकर बीजेपी हमलावर होती है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।